तो क्या हाल है दोस्तों? यार उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने फाइनली 0.15 बेटा वर्शन का गेम प्ले लाया, जिसमें बहुत कुछ नया नया आया है। नया गन्स आया है, नया एयर ड्रॉप का कार आया है, और एज ग्रैब ऑप्शन आया है, बहुत कुछ आया है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो गन है जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है UMP-45, जो मुझे लगता है सैनहोक में UMP को या विकेंडी में UMP को रिप्लेस करेगा ये। तो ये जो है, ये नया पिस्तल है जिसका नाम है डेजर्ट ईगल। ये नया पिस्तल है जो मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है। ये लेवल 3 का हेलमेट को भी टिका सकते हैं, तो उसका साउंड भी काफ़ी ख़तरनाक है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और हाँ, और अभी जो गैस कैन होते हैं वो ब्लास्ट भी होते हैं 0.15 अपडेट के बाद। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं जैसा फायरिंग करता हूँ वो ब्लास्ट होगा गैस कैन। मुझे पता नहीं कि ऐड होगा नहीं, मगर जो आप मिडिल में देख रहे हो, जो एरो दिखा रहे, जिसका भी हाई पिंग होगा वो अभी ये एरो मिडिल में दिखाएगा। ये पता नहीं जो ओरिजिनल वर्शन जो अपडेट है उसमें आएगा नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा डेजर्ट ईगल पिस्टल और ये रहा UMP-45 नज़दीक में। तो ये जो है दोस्तों, ये है नया व्हीकल जो आ रहा है नेक्स्ट अपडेट में, जिसका नाम है BRDM-2। जिसका नाम है, ये जो व्हीकल है ये पानी में भी चलेगा, मगर इसका स्पीड जो है वो सिर्फ 20 में होगा, लास्ट 20 स्पीड तक चलेगा ये, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। पानी में इसका स्पीड तो 20 नहीं है, मगर जो चलता है वो भी काफ़ी स्लो चलता है, जैसे मैंने ट्राई किया है। इसका टायर भी बुलेट प्रूफ है, टायर भी काफ़ी डैमेज ले सकते हैं। आप देख सकते हो ये पानी में अभी है जो गाड़ी में ड्राइव करता हूँ। ये देखो FPP मोड पे, इसका अंदर ऐसे दिखता है गाड़ी में का। तो ये रहा जो अगला ग्रैबिंग सिस्टम जो आ रहा है, मैं नाम एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, मगर ये अभी नेक्स्ट अपडेट में आने वाले हैं। आप जब भी दो बार जंप का बटन दबाएगा तो ये अपने आप ही ग्रैब करेगा वॉल को, सिर्फ दो बार बटन दबाने जंप का। और अचीवमेंट में भी काफ़ी नया कुछ आया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ये है Battle Mania 1, जैसे लिखा है Battle Mania 2, 3, 4। ये पता नहीं एग्जैक्टली है क्या, मगर नया अचीवमेंट ये है गोइंग ऑल आउट। ये नए भी नया एक अचीवमेंट है, ये सब देख सकते हो। और इधर कुछ नहीं है, इधर कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये मुझे लगता है जो वर्कशॉप में जो कैरेक्टर है उसका डेवलपमेंट का अचीवमेंट पॉइंट है। ये है पार्टनर इन क्राइम। तो ये है लॉर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये पॉपुलैरिटी रिलेटेड कुछ है। कनेक्शन, जितना कनेक्शन आपका ज़्यादा होगा वो ऐसा ही दिखाएगा अभी इधर, अचीवमेंट पूरा होगा। और कुछ नहीं है नया यहाँ अचीवमेंट में। और हाँ, ये नया जो रिवार्ड्स जो आया सिस्टम अभी, जैसे आप देख सकते स्टिकर से, अभी ग्रेनेड का भी स्किन आने वाला है अगले अपडेट में। अभी चलो देखते हैं शॉप में क्या क्या और नया आया है।
जो उन लोगों ने स्किन लाया तो और भी मुझे दिखेगा। 600 UC 400 फ्रेगमेंट, देखो 400 BP कॉइन का स्टिकर। मुझे लगता है जो स्टिकर ये हेलमेट पे लगेगा क्या ऐसा कुछ आएगा, कुछ यूज़ नहीं होगा। और ये अभी जो हाथ में स्मोक होगा, पहले पैर पे होता था, अभी हाथ में स्मोक होगा। इसका नाम मैं भूल गया मगर अभी हाथ में भी होगा। ये देखो तो ये जो ये नया जो प्ले ग्राउंड आने वाला है, नया मोड, ये उसका है गेम प्ले है जैसा आप देख सकते हो। कुछ कुछ नया गन्स भी आया है, हेलीकॉप्टर आया है, बहुत कुछ आया है इसमें। ये जो रादर सिस्टम है इसमें आप अपने टीममेट जो मर जाते हैं उसको वापस बुला सकते हो, मगर ये पता नहीं कुछ आईडी कार्ड मांग रहा था इसीलिए मैं वापस फिर इधर से चला गया। आप देखो इधर शायद ड्रॉप में कुछ कार्ड कुछ मिलेगा, जो टीम मर चुका है उसको वापस आप बुला सकते हो। जैसा एयर ड्रॉप सिस्टम इधर अभी प्ले लोड में इधर नया ड्रॉप सिस्टम आ रहा है जो अंडरग्राउंड से ड्रॉप निकलते। मैं तो मर गया था इधर, पता नहीं किधर से बंदा मारता, दिख नहीं रहा था। ये नया हेलीकॉप्टर में इसको गोली मारता हूँ, काफ़ी डैमेज भी लगता है इसको। मैं तो मर गया था मगर मेरे टीममेट को ड्रॉप का गन मिला। आप देखो वीडियो आ गया आगे होते के तो बस दोस्तों यार यही था 0.15 अपडेट का जो लीक जितना तक मुझे मिला। आप ऊपर देख सकते हो टीममेट लिखा है 16 सेकंड्स में, अगर आप वो रादार में गया और अपने टीममेट को बुलाया तो 16 सेकंड के अंदर टीममेट को वापस ला सकते हो, वरना 16 सेकंड या कितना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मगर आप फिर वापस टीममेट को ला सकते हो जो मर चुका है। तो बस दोस्तों यही था यार वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप नए आया हो, और यार वॉइस ओवर में जितना भी गलती हुआ है तो माफ़ करो यार, पहला बार है ट्राई कर रहा हूँ। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो यार, चैनल में एक्टिव रहो, और भी गिव अवेज आता रहेगा यार। जो नहीं जीता वो प्लीज़ अपना दिल खफा मत करो।